जय गुरुदेव। संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान शिव शंकर का पूजन, मनन और चिंतन अहर्निश हो रहा है। संपूर्ण विश्व में ज्ञान के अधिष्ठाता देवता, बुद्धि, विचार और विद्या के प्रकर्ष के लिए भगवान शिव शंकर का स्मरण सभी लोग करते हैं। संपूर्ण जगत में प्रदोष का व्रत, प्रदोष पूजन होता है। सौम्य प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में सदा ही दिव्यता और उत्कृष्टता प्राप्त होती है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी, जो अपना जीवन बहुत ही सरलता और सौम्यता के साथ चलाती थी। सुबह उठ करके गुरुजनों को प्रणाम करती थी और अपने पुत्र के साथ गुरु आज्ञा पा करके भिक्षार्जन के लिए निकलती थी और प्रत्येक मंदिर में श्रेष्ठी के द्वार पर विज्ञजनों के पास जा करके वे भिक्षार्जन करती थी। भगवान शिव शंकर का ही स्मरण करती थी, उनके ही स्तोत्र का पाठ करती थी, भगवान शिव के ही नाम का जप करती थी, भगवान शिव का ही चिंतन किया करती थी। ओम गात्रम भस्म सितम सितंच हसितम हस्ते कपालम सितम खड्वांगंच सितम सितश्च वृषभ कर्णे सिते कुंडले गंगा फेन सितम जटा विलसितम चंद्रसितो मूर्धनी सोयम सर्वसितो मया नमसितो रक्षा करह शंकरह। भगवान शिव शंकर का अहर्निश चिंतन करने से उनका मन मानस पवित्र हो गया था। वे जो कुछ मिल जाता था वो सायंकाल अपने घर पर ला करके भगवान को भोग लगा करके प्रसाद रूप में स्वीकार करती थीं। एक समय की बात है, वे भिक्षार्जन के लिए घर से निकली कि उन्हें एक बहुत सुंदर राजकुमार दिखाई दिया, जिसका मुख म्लान था, उसके वस्त्र फट गए थे। संवाद करने पर पता चला कि वह विदर्भ राज्य का राजकुमार है। उसके राज्य में अनीति पूर्वक लोगों ने शासन करना प्रारंभ कर दिया है, उसे राजा च्युत कर दिया गया है। अब वो दर दर भटकता हुआ इस राज्य में यहाँ है। विधवा ब्राह्मणी के मन में दया आ गई और उसे अपने पुत्र के साथ ही घर ले आई। ब्राह्मण बालक के साथ खेलते हुए विदर्भ राजकुमार धर्मगुप्त धीरे धीरे बढ़ने लगे, वे बड़े होने लगे और नित्य उनका जीवन इसी तरह रहता कि प्रातःकाल नित्य नैमित्तिक कर्म करते, गुरुजनों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते और भिक्षार्जन के लिए निकल जाते। एक दिन की बात है कि ब्राह्मणी भिक्षा मांग करके घर आ गई। दोनों बच्चे, राजकुमार और ब्राह्मण बालक, केवल खेल खेल में लगे हुए थे, लेकिन वहीं उनको एक गंधर्व कन्या अंशुमती दिखाई दी। अंशुमती के साथ विदर्भ राजकुमार धर्मगुप्त संवाद करने लगे और संवाद करते करते काफी देर तक रहे। अगले दिन पुनः धर्मगुप्त गंधर्व कन्या के पास गए। अंशुमती के माता पिता भी वहां थे। उन्होंने कहा, मुझे भगवान शिव शंकर ने यह संकेत किया है, यह आशीर्वाद प्रदान किया है कि मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करूं, क्योंकि आप विदर्भ राजकुमार हैं, तेजस्वी हैं। आगे चल करके विदर्भ राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमती से हो गया और वे निरंतर विदर्भ राज का
पद प्राप्त कर लिया। उन्होंने गंधर्वों के सहयोग से युद्ध हुआ और विदर्भ पर शासन हो गया और तब इस ब्राह्मण बालक को उन्होंने अपना मंत्री बनाया। अपना श्रेष्ठ उपकार करने के दिनों को याद करके अपना आत्मिक मान करके अपने निकट रखा और इस तरह यह सब जो कुछ हुआ वह प्रदोष व्रत करने के उस ब्राह्मणी के प्रताप से हुआ। भगवान शिव शंकर की कृपा से न केवल इनका जीवन संवरा अपितु जो इनके निकट आए थे, जिन्होंने इनका आश्रय लिया था, उनका जीवन भी संवर गया। भगवान भोलेनाथ अहैतु की कृपा करने वाले हैं। जो भगवान शिव शंकर का नाम लेता है उसका जीवन अत्यंत पवित्र हो जाता है और उसका नाम लोक लोकोत्तर ख्याति को प्राप्त करता है। जो भगवान शिव शंकर का ध्यान करता है, भगवान शिव शंकर चाहे कैलाश पर निर्वस्त्र बैठे हों लेकिन उनका भक्त नित्य नवीन धुले हुए वस्त्र ही धारण करता है। भगवान शिव शंकर का स्मरण करके जो भिक्षार्जन करते हैं वे नित्य भगवदीय षडरस का पान करते हैं। उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के भगवदीय खाद्य पदार्थ और आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना वंदना करने से प्रत्येक जीव का मन मानस पवित्र और निश्चल हो जाता है। चूंकि वे बुद्धि के देवता हैं इसलिए हमारा मन मानस पवित्र होकर के सदकार्य में लग जाता है। प्रत्येक चतुर्दशी के दिन प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में सदा ही सौविध्य सुख और शांति निवास करती है। भगवान मुक्ति के प्रदाता हैं, सर्वविध शुभ और मंगल करते हैं। ओम कल्पांत क्रूर केलि कृतु कदन करह कुंद कर्पूर कांति क्रीडन कैलास कूटे कलित कुमुदिनी कामुक कांतकाय कंकाल क्रीडनोत्क कलित कल कलह काल काली कलत्रह कालिंदी काल कंठह कलयतु कुशलम कोपिका पालिकह कौ। सभी लोग जो प्रदोष व्रत रहते हैं वो ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाएं, ध्यान साधना और नित्य नैमित्तिक कर्मों के अतिरिक्त इस दिन भगवन नाम का जप करें। जपौ जाय शंकर सतनामा होई है तुरत हृदय विश्रामा। जो भगवान शिव जी का नाम लेता है उसके जीवन में सदा प्रसन्नता बनी रहती है। सभी लोग जो प्रदोष व्रत करते हैं उनके जीवन से दोष समाप्त हो जाते हैं, वे निर्दोष बनते हैं और अपनी निर्मलता सरलता और स्वाभाविकता के कारण उन्हें भगवान की प्रीति प्राप्त होती है। प्रदोष करने वाले सभी लोगों को पूज्य महर्षि महेश योगी जी के इस दैवीय संस्थान की ओर से, ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके जीवन के लिए अपार मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।